धर्मनगरी वृंदावन में लोग काफ़ी श्रद्धा और आस्था के साथ आते हैं। माना जाता है कि ब्रज में 33 कोटि देवी देवताओं का वास है, जिनमें ब्रज में हुई भगवान कृष्ण और शिव की लीलाओं के कई वर्णन भी मिलते हैं। और ऐसी ही एक लीला की कहानी बताता है वृंदावन का गोपीश्वर मंदिर। मंदिर सेवायत मीनाक्षी गोस्वामी ने बताया कि जब भगवान कृष्ण ब्रज की सभी गोपियों के साथ महारास कर रहे थे, तब राधा रानी ने सभी देवी देवताओं का प्रवेश महारास में वर्जित कर दिया था। यहाँ तक कि माता लक्ष्मी भी इस महारास में शामिल ना हो पाई, लेकिन भगवान शिव इस महारास में शामिल होना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने वृंदावन में आकर यमुना जी के सामने प्रार्थना की और यमुना जी ने उन्हें स्वयं गोपी रूप में सजाया। और तब भगवान शिव ने गोपी रूप धारण कर कृष्ण के साथ महारास किया और उसी रूप में आज भी इस मंदिर में भगवान शिव के दर्शन होते हैं। उन्होंने आगे बताया कि जो भी भक्त ब्रज में आते हैं, अगर वो भगवान गोपीश्वर की दर्शन ना करें तो उनकी ब्रज यात्रा अधूरी मानी जाती है। साथ ही सावन माह में जो भी भक्त इस मंदिर में शिव जी का दूध, दही, यमुना जल, शहद, घी से पंचामृत अभिषेक करता है, उसकी सभी मनोकामनाएँ पूर्ण होती हैं। गोपीश्वर मंदिर में सुबह भगवान शिव का स्नान होता है और शाम को भगवान शिव गोपी रूप में सभी भक्तों को दर्शन देते हैं। एक दिन भोला भंडारी बनके ब्रज की नारी रास में आ गए, पार्वती भी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी रास ना आए। यहाँ पर भगवान शिव गोपी बनकर आए, गो माने इंद्रिय, ती माने तीना, जिसने दसों इंद्रियों को वश में किया उसने ही महारास में प्रवेश लिया। न ब्रह्मा ने लिया, न विष्णु ने लिया, साक्षात स्त्री होते हुए लक्ष्मी जी को भी महारास में प्रवेश नहीं मिला। एक यही ऐसा देवता है जिसने महारास में गोपी बनकर आनंद लिया है। लाभ हानि जीवन मरण यश विधि हाथ, जीवन में आनंद चाहिए तो आना पड़ेगा गोपीश्वर के पास। गोपीश्वरम जगत बंदे करुणामयम रति प्रदम, यहाँ भगवान शिव ने रति के जीवन में आनंद दिया है। जब भगवान शिव ने कामदेव को जला दिया, वहीं उसके स्त्री के जीवन में आनंद दिया है। प्रातःकाल जब आप आएंगे तो यह अभिषेक होता है विभिन्न प्रकार से, और शाम को जब आप आएंगे तो उनके गोपी रूप में दर्शन करेंगे। रावरे की रूप की भी तनिक जो देखो नित लागत है। हर रोज़ जब आप आएंगे तो उनका हर रोज़ नया श्रृंगार होता है, और श्रृंगार जो है उस समय यमुना जी ने इनको दिया, क्योंकि ये तो बागंबर पहनने वाले के पास तो कुछ नहीं था। तब जब यहाँ पर आए तो यमुना जी से याचना करी, गोपी भाव से स्नान करा, तब उनसे परीक्षा दी, तब ये महाराष्ट्र में प्रवेश कर पाए। वृंदावन में आओ, यमुना जी के स्नान करो, भगवान शिव को जल चढ़ाओ और शाम को मन वांछित फल पावत सेवत नर नारी, पुत्र होन की इच्छा हुई निश्चय से प्रसाद से हुई। शाम को सावन के महीने में श्रद्धालु बहुत लोग आते हैं, कांवरिया आते हैं। कांवरिया माने कांवरिया, तुम्हें क्या बर चाहिए? भगवान शिव पसंद सावन के महीने में, आपने देखो चारों तरफ हरियाली होगी, सावन नव सा, चारों तरफ नयापन होगा, क्योंकि प्रकृति भी भगवान शिव के आने का आनंद ले रही है। चारों तरफ हरियाली फैली हुई है। सुबह जब आप आएंगे तो भगवान शिव को गंगा जल से, यमुना जल से, गुलाब जल से, दूध से, शहद से, अनेक अनेक धाराओं से अभिषेक होगा। शाम को इनका गोपी रूप में दर्शन होगा। ये 5,500 वर्ष प्राचीन है, भगवान कृष्ण के द्वारा ही है। राधा रानी ने इनका श्रृंगार किया है, भगवान कृष्ण ने और राधा रानी ने दोनों ने इनको ब्रज का कोतवाली बनाया है। जब तक आप ब्रज में आएंगे, गोपेश्वर के दर्शन नहीं करेंगे तो आपको यात्रा का फल नहीं मिलेगा और राधा कृष्ण की भक्ति नहीं मिलेगी। आप इनके दर्शन कर लेंगे तो आपको आदि यात्रा का फल प्राप्त होगा और राधा कृष्ण की भक्ति स्वतः ही मिल जाएगी। बोलिए हर हर महादेव। सौरभ पाल, न्यूज़ 18, मथुरा।